अच्छा रेट मिलता है। अभी करीबन मार्च और अप्रैल में 100 रुपए के आसपास हर साल मिर्ची का बाजार रहता है। किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों आज मैं पहुंचा हुआ हूं विराट नगर तहसील में, जो कि स्थित है कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर। और यहां पे किसान भाई करीब 3 साल से शानदार मिर्ची की खेती करते चले आ रहे हैं। इस बार किसान भाई ने करीब 1.25 एकड़ के करीब मिर्ची लगा रखी है। आप देख सकते हैं किसान भाई की जो मिर्ची है वो फ्लावरिंग स्टेज पे पहुंच चुकी है। करीब 15 से 20 दिन बाद में किसान भाई की हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगी। मिर्ची की जो पोजिशन है वो काफी अच्छी देखने को मिल रही है। तो 3 साल से किसान भाई मिर्ची की शानदार खेती कर रहे हैं सफल तरीके से, काफी अच्छा अनुभव रखते हैं मिर्ची की खेती में। इनका पूरा अनुभव इस वीडियो में शेयर करेंगे आपके साथ में। वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। एक बार किसान भाई को थोड़ा परिचय बता दें आप। मेरा नाम मनीष कुमार, मैं मैड विराट नगर तहसील जिला कोटपुतली बहरोड का रहने वाला हूँ। जी कितने साल से करते हैं सर मिर्ची आप? 3 साल से। 3 साल से। और कौन कौन से मौसम में लगाते हैं मिर्ची आप? मैं ज्यादातर सर्दी में लगाता हूँ, जो गर्मियों में चलती है। अच्छा। ये भी आपने सर्दी में लगाई थी? हाँ जी। और गर्मी में यह हार्वेस्टिंग हो जाएगी? हाँ जी। तो सर जी जैसे मान लो नए किसान भाई मिर्ची की खेती करना चाहते हैं, हाँ जी, सबसे पहले तो आप कौन सा समय सबसे अच्छा मानते हैं मिर्ची के लिए? मिर्ची के लिए दिसंबर का समय उचित समय, 1 दिसंबर 10 नवंबर के बाद 1 दिसंबर तक अच्छा समय रहता है मिर्ची के लिए। जी जी जी। अच्छा रेट मिलता है। अभी करीबन मार्च और अप्रैल में 100 रुपए के आसपास हर साल मिर्ची का बाजार रहता है। तो सर जी आपने जो मिर्ची लगाई थी, हाँ जी, कौन से समय पे इसको लगाई थी आपने खेत में? ट्रांसप्लांट कब किया था इसका? मैंने सर जी 1.5 एकड़ से कम की तो नर्सरी तैयार की थी। अच्छा। जो मैंने लगाई थी 10 दिसंबर के बाद जी, और उसके 2-3-4 रोज बाद 1.5 एकड़ में डायरेक्ट बीज लगाया था। डायरेक्ट बीज रोपण कर दिया आपने? हाँ जी। तो क्या पाया आपने कि बीज रोपण भी क्या सक्सेस हो जाता है किसान? हाँ जी। हो सकता है? हाँ जी। कोई समस्या नहीं आती डायरेक्ट बीज रोपण में? कोई समस्या नहीं आती। केयर ज्यादा करनी पड़ती है क्या छोटे पौधों की? हाँ जी। वो केयर ही बता दे, क्या केयर ज्यादा होती है छोटे पौधों? छोटे पौधे की केयर ये होती है कि 6-7 दिन इसको पानी चाहिए। एक तो नर्सरी को थोड़ी जगह में सींच लेते हैं, एक एक एकड़ को पूरे को सींचो तो ये प्रॉब्लम आती है। थोड़ा फिर कटने वाली फंगस वाली ये समस्या आती है पूरे खेत में, और ट्रे में ये समस्या नहीं आती। तो क्या कहना चाहेंगे आपकी नर्सरी तैयार करें तो ज्यादा बेटर है कि डायरेक्ट बीज रोपण कर दें? ये किसान भाई 10 नवंबर को ट्रे में बीज लगा दे जो उचित रहेगा, अच्छा प्रोडक्शन देगी, ये फरवरी लास्ट में मार्च फर्स्ट में चालू हो जाएगी। अच्छा प्रॉफिट मिलेगा उसका। कितने क्षेत्र में मिर्ची लगा रखी है आपने इस बार? 1.25 एकड़। 1.25 एकड़ में कितना बीज लगाया 1.25 एकड़ में आपने? 1.25 एकड़ में लगाया मैंने 28 पैकेट। कितना वेट होता है एक पैकेट का? एक पैकेट का 8-10 ग्राम के करीब वेट होता है। 1500 बीज आते हैं एक पैकेट में? हाँ जी जी। अगर वैरायटी आपको याद हो तो बता सकते हैं? वैरायटी है इसमें जिंगानिया की रस्मी है 4 पैकेट, तो और VNR की परी है 5 पैकेट, और बेस्टेक की कार्तिक है 8 पैकेट, और ग्रीन फील्ड की सूर्या है 4 पैकेट, और 2 पैकेट मिनिमम 74 के। इतनी सारी वैरायटी लगा रखी है? नहीं 1.25 एकड़ है तो अलग अलग, कभी मोटी का बाजार अच्छा रहता है, कभी बारीक का रहता है। अच्छा। कभी मीडियम का रहता है, इस वजह सारी वैरायटी लगाते हैं। अच्छी। तो सर जी जैसे मान लो आपकी विधि से किसान भाई मिर्ची की खेती करना चाहता है, खेत तैयारी का सही समय कौन सा रहता है? खेत तैयारी नवंबर अक्टूबर से ही खेत को खाली छोड़ दे, उसमें जुताई करते रहे हर 10वें दिन, उसमें 10 गोबर की ट्राली डाले, उसके बाद उसको अच्छी जुताई करके कच्चे बेड बनाए, कच्चे बेड बना के 1 मुर्गी की पिकअप या 2 ट्राली मुर्गी के खाद की बेड पे डाले, 2 कट्टे DAP के, 1 कट्टा यूरिया, 1 पोटास, कार्बोफ्रान, रीजेंट, सिमियान वैम, ये सब डाल के दोबारा से अच्छे से बेड तैयार करें।
आप जो ये खाद बता रहे हैं, हाँ जी, ये डोज एक एकड़ का है, हाँ जी, बैसल डोज को डायरेक्ट बेड में डाले किसान भाई, हाँ जी, और बेड को पक्का बना दे, पक्का बना दे, ड्रिप अपन बिछाएंगे, डबल बिछाएंगे, सिंगल, सिंगल से भी चल जाएगा, नहीं डबल बिछाएं तो ज्यादा प्रॉफिट है, पानी का अच्छा पूर्ति होता है, पौधे को पूरा पानी मिल जाता है, तो डबल बिछाए ज्यादा अच्छा है, हाँ जी, मल्चिंग आपको नवंबर दिसंबर में लगाएंगे तो लगानी पड़ेगी, हाँ जी, तो सर जी मल्चिंग भी लगा दिया, ड्रिप भी लगा दिया, उसके बाद में जो नर्सरी तैयार करने का प्रोसेस बता रहे, करीब कितने दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है? डेढ़ महीने में तैयार हो जाती है, हाँ जी। ट्रांसप्लांट करते हैं अपने खेत में, हाँ जी, क्या क्या सावधानी बरती? ट्रांसप्लांट करते समय उसमें ऊपर से ज्यादा तो दबाव न डाले और अच्छे से उसको गीला करके फिर नर्सरी को लगाए, ये सब। उसके बाद में पानी का क्या शेड्यूल बनाए जिससे अपने पौधे में कोई फंगस भी ना आए, अच्छी तरह ग्रोथ करे? सर्दी के समय में हर सातवें आठवें दिन उसमें पानी चलाए, और अब जैसे गर्मियां स्टार्ट हो चुकी है, अब इसमें हर दूसरे दिन पानी लगाए। अच्छा, अच्छा जी, कोई न्यूट्रिएंट आप बाद में जैसे ट्रांसप्लांट करने के बाद में देते हो, हाँ, वो भी बता सकते हैं? इसमें दो बार ड्रिंचिंग की, सिमियान वैम की, निमाटोन बायोकेयर बी एफ, उसके बाद न्यूट्रीफास्ट और सिमियान वैम की दूसरी ड्रिंचिंग, उसके बाद माइक्रोफूड, उसके बाद 13045, अभी 13045 चला है ड्रिप से, हाँ जी। तो सर जी आपकी छोटी छोटी मिर्चियां बननी स्टार्ट हो चुकी है, हाँ जी, अब इस फ्लावरिंग स्टेज पे कोई और न्यूट्रिएंट आप अगर देते हो ड्रिप से, हाँ, तो वो बता सकते हैं? अब इसके बाद 52-34 लगेगा, कैल्शियम लगेगा, फिर कैल्शियम 52-34, माइक्रोफूड, यही शेड्यूल रहेगा। शेड्यूल बनाते हो आप? हाँ जी, और फर्टिगेशन डालते रहते हो? हाँ जी 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 जी। तो अब कितने दिन बाद में आपकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगी? करीबन 10-12 दिन में हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगी। तो आप सर जी 3 साल से मिर्ची की खेती कर रहे हैं, इस समय की खासकर गर्मी वाली मिर्ची, क्या मार्केट मिल जाता है आपको? इसको 20-25 का मार्केट मिल जाता है एंड तक, हाँ, पूरा कैलकुलेशन 20-25 रुपए का आता है। और माल कहाँ पे बेचते हो ज्यादातर आप? हम अलवर भी बेच देते हैं, गुड़गांव में बेचते हैं, यहाँ की मंडी में बेच देते हैं, जहाँ आपको मार्केट अच्छा मिले वहीं बेच देते हो जी। स्प्रे कौन कौन सा करना पड़ता है इसमें? इसमें सफेद मच्छर और थ्रिप्स का ज्यादा अटैक रहता है। आपने करीब कितनी बार स्प्रे निकाल दिया इसमें? 3 बार स्प्रे निकाल दिया जी। कौन कौन सा यूज में लिया सर जी? बायोआर 303, उसके बाद एसिटा थाइमोक्साम, अब डेलीगेट निकाला है तीसरा स्प्रे जी। तो सर जी फर्स्ट प्रोडक्शन मिलने से कितने महीने तक उत्पादन देती रहती है मिर्ची अपने को? 6 महीने तक। 6 महीने तक उत्पादन देती रहती है? देती रहती है, अच्छे पेड़ को बना के रखोगे 6 महीने तक उत्पादन देगी। देगी, हाँ जी। हार्वेस्टिंग कितने दिन के अंतराल पे करते हो आप? जैसे आज कर ली तो फिर कितने दिन बाद में? 10 दिन बाद। 10 दिन बाद में फिर तुड़ाई कर सकते हो? तो 1.25 एकड़ से एक बार में कितना माल तुड़ाई कर लेते हो आप? 1.25 एकड़ से करीबन 30 क्विंटल माल। 30 क्विंटल? अच्छे यील्ड में 30 क्विंटल माल एक बार में। तो एक महीने में दूसरी बार में ज्यादा निकलेगा, तीसरी बार में उससे ज्यादा निकलेगा, और फिर बाद में जैसे ही बारिश से ठंडा मौसम आएगा फिर तो कोई वही नहीं है। अच्छा, निकाले जाओ चलते रहो, खूब माल निकलता है। हाँ, पेड़ को अच्छा बनाए रखो। तो जैसे मान लो लंबे समय तक पेड़ को चलाने के लिए क्या सावधानी बरत सकते हैं? इसमें थ्रिप्स का अच्छा नियंत्रण रखे, सफेद मच्छर और थ्रिप्स का खेत में न घुसने दे, लगातार स्प्रे करते रहें, हाँ जी, हर 10वें दिन। इंसेक्टिसाइड का भी, हाँ जी। फंगस की समस्या कोई खास नहीं आती इसमें? कुछ अभी तो आएगी नहीं, बरसात के समय में ज्यादा आएगी। और जैसे मान लो कई किसान भाई को जड़ गांठ की समस्या आए मिर्ची में, हाँ जी, तो फिर क्या कर सकते हैं उसमें? शुरू में जब ड्रिंचिंग करे, जब निमाटोन लगा दे या फिर वेलम लगा दे ड्रिप से। अच्छा, 100 ml पर बीघा, तो आपकी वो समस्या खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो सर जी मिर्ची की खेती आप 3 साल से कर रहे हैं, इस बार 1.25 एकड़ में आपने लगा रखी है, हाँ जी, कितना खर्चा हो जाएगा अपना 1.25 एकड़ में? 1.25 लाख रुपए के करीब खर्चा हो जाएगा, हाँ जी। क्या उम्मीद रखते हैं आप कितने की मिर्ची सेल कर देंगे? वो तो बाजार पे रहता है, लेकिन फिर भी इसका बाजार रहे तो 5 लाख रुपए की भी हो जाए, 6 लाख रुपए की भी हो जाए, 7 की भी हो जाए, 5 से 7 के बीच में हो सकती है। सर जी किसान हमेशा उम्मीद रखता है, उसको रखनी भी चाहिए, आप क्या उम्मीद रखते हैं इस बार कितने रुपए बचा लेंगे खर्चा निकालकर? अगर बाजार अच्छा रहे तो 5 लाख रुपए की उम्मीद रखते हैं, 5 बचा सकते हैं जी। तो सर जी नए किसान भाई को अपना अनुभव शेयर जरूर करें, मुख्य सावधानी मिर्ची की खेती में क्या रखनी चाहिए किसान भाइयों को वो जरूर बताएं। जड़ गांठ की, थ्रिप्स की ये समस्या ज्यादा आती है, तो इसको थ्रिप्स से बचा के रखे, समय समय पर दवाई देता रहे, जड़ गांठ के लिए वेलम का उपयोग करें या निमाटोन का उपयोग करें जी। पौधे से पौधे कितनी दूरी रखते हैं सर आप? 9 इंच 9 इंच डबल कतार में लगाते हैं, हाँ जी।
तो सर जी आज किसान भाइयों के लिए आपने समय निकाला और अपना अनुभव किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।